पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ आता है? हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? बिहार में तो उनकी सरकार है, क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं घटित हो रही है जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने को है और सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे को लेकर बिहार यात्रा पर हैं। कोई मलाह आरक्षण को लेकर तो कोई जाधव और मुस्लिम संगठन को लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसको लेकर कई विपक्षी नेता ने पलटवार किया है, बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा है, पहले आप ये सुने। गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, इसके अलावा तो उनको कुछ आता है? हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा की बात को लेकर बिहार में क्यों यात्रा कर रहे हैं? बिहार में तो उनकी सरकार है, क्या गिरिराज सिंह मानते हैं कि उनकी सरकार के रहते हुए बिहार में हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो पा रही है? बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कुछ घटनाएं घटित हो रही है जिसको लेकर गिरिराज सिंह इतने चिंतित हैं, तो कांग्रेस तो उनको सुझाव देगी कि आप दिल्ली स्थित बांग्लादेश के दूतावास से घेराव करिए, और फिर भी मन में संतोष नहीं हो रहा हो तो अपने आरएसएस के मित्रों को लेकर बांग्लादेश चले जाएं, वहां आंदोलन करें, वहां के हिंदुओं के पक्ष में खड़े हो जाएं, वहां यात्रा करें। ये बिहार में यात्रा का क्या मतलब है भैया? भी हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा के नाम पर ये सब धूल झोंकने की कोशिश है लोगों की आंखों में। जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग में क्या काम हो रहा नहीं हो रहा ये तो आज तक बताया नहीं उन्होंने। तो अपने जो जिम्मेदारी है वो तो निर्वहन कर नहीं पा रहे। हिंदुओं के स्वाभिमान, एक चुनाव विधानसभा के चुनाव आने वाला है तो हिंदुओं के स्वाभिमान को जग गया, इस तरह का नाटकबाजी बंद करें, उसी में उनकी भी भलाई है, उनकी पार्टी की भलाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि गिरिराज सिंह नौटंकी कर रहे हैं, ये राजनीति है और कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में उन्हीं का सरकार है और हिंदुओं की स्वाभिमान की बात कर रहे हैं तो क्या इनके सरकार में हिंदुओं की स्वाभिमान की रक्षा नहीं हो रही है? यदि नहीं हो रही है तो जाएं। जिस तरह से बांग्लादेश के बारे में वो कह रहे हैं कि वहाँ के हिंदू सुरक्षित नहीं हैं तो दिल्ली जाकर उनके दूतावास यानी बांग्लादेश के जो दूतावास है दिल्ली में वहाँ जाके घेराव करें, और नहीं तो उनसे उससे भी ज़्यादा उनको दिक्कत हो रही है तो जाके बांग्लादेश में आरएसएस के लोगों के साथ जाके धरना प्रदर्शन करें, आंदोलन करें। इस तरह के बयान देते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये अपने जो मंत्रिमंडल में हैं जिस तरह का इनको विभाग मिला है उस विभाग का कोई काम गिरिराज सिंह नहीं कर रहे हैं और ना ही मीडिया के सामने आकर कभी बोला कि किस तरह का वो काम अपने विभागीय काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, वोट बैंक बनाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है कि अब हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने वाले नेताओं को बिहार में कोई जगह नहीं है। इस तरह से अब नीतीश सरकार भी यहाँ पलायन करने वाली है और साथ ही साथ गिरिराज सिंह भी अपने पार्टी को नहीं बचा पाएंगे, इस तरह का बयान देते नजर आए प्रेमचंद मिश्रा। तो क्या कुछ कहा मैंने आपको सुनाया, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।